सबसे पहले डॉक्टर राकेश आपसे शुरू करते हैं। ये एबीपी न्यूज़ का जो सर्वे आया है, एबीपी और सी वोटर के न्यूज़ का सर्वे जो आया है, वो आपको कितना लगता है जो ग्राउंड की में हलचल है, जो सच्चाई है, हकीकत है, उसके कितने करीब दिख रहा है? देखिए, अब तक जो चुनाव पूर्व सर्वे अपना विश्वास खोते रहे थे, लेकिन कर्नाटक के चुनाव परिणाम से ऐसा लगा कि काफी करीब सर्वे अब होने लगे हैं। 17,136 या 126 लोगों के सैंपल पर मध्य प्रदेश में ये सर्वे हुआ है। अगर इसे हम शुरुआती रुझान माने मध्य प्रदेश में, तो लगभग सटीक बैठता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग 20 साल पूरे करने जा रही है मध्य प्रदेश में। 15 महीने कमलनाथ को छोड़ दें, बाकी के समय में बाबूलाल गौर और उमा भारती के कुछ माह छोड़कर शिवराज सिंह ही मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसे में सर्वे में जो बातें आपने बताई, हमने भी उसको विस्तार से अभी देखा था, तो कमोवेश जो नागरिकों का रुझान जितने सवालों पर आया है वो लगभग लगभग सटीक बैठता है। एक खास बात चिन्हित करने की जरूर है इसमें, एक प्रश्न मुझे चौंकाने वाला लगा उसमें, कि शिवराज सिंह का हिंदुत्व और कमलनाथ का हिंदुत्व, इसमें अगर कमलनाथ के हिंदुत्व को 1% ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, तो ये भी एक नए तरीके के सोच विचार का परिचायक दिखाई दे रहा है। पहला सर्वे मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर जो किसी बड़े चैनल ने किया हो, इसके पहले अखबारों में यहाँ मध्य प्रदेश में व्हाट्सएप ग्रुप्स में कई तरह के सर्वे आते रहे हैं, जिसमें किसी सर्वे को संघ का सर्वे बताया जाता है, किसी को बीजेपी का, किसी को कमलनाथ का, किसी को इंटेलिजेंस ब्यूरो का, उसकी कोई पुष्टि नहीं करता। लेकिन पिछले 5 या 6 महीने में जितने इस तरह के सर्वे आए हैं, वो सब बीजेपी के लिए चिंताजनक और कांग्रेस के लिए उत्साहवर्धक दिखाई देते हैं। आज का दिन दो तरह से शिवराज सिंह और बीजेपी के लिए भारी रहा, एक तो ये एबीपी का सर्वे, दूसरा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल में दिया गया भाषण। आप समान नागरिक संहिता पर अगले चरण में आप बातचीत करेंगे, लेकिन मैं एक दूसरी चीज पर संकेत करना चाहता हूं, जिससे हम कह सकते हैं कि चुनाव की तैयारी में मैच शुरू होने के समय पहली ही बॉल नो बॉल डाल गए नरेंद्र मोदी भोपाल में। पेट्रोल की कीमतों पर वे गैर भाजपा सरकारों को कस रहे थे और उन्होंने तमाम सारे गैर भाजपा शासित राज्यों के नाम गिनाए और वहां पेट्रोल की कीमतों का जिक्र किया, राजस्थान, बंगाल, बिहार, तमिलनाडु इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये इतनी बड़ी चूक हुई है कि वे मध्य प्रदेश का, एक तो उन्होंने नाम नहीं लिया, हिमाचल का नाम लिया, हरियाणा का, माफ कीजिए, हरियाणा का नाम लिया, गुजरात और उत्तर प्रदेश का लिया, मध्य प्रदेश का नाम उन्होंने जानबूझकर नहीं लिया या अनजाने में। बड़ी भूल यह है कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमत आज की तारीख में 108 रुपए 27 पैसे थी। यानी आज 27 जून को जिस वक्त नरेंद्र मोदी जी गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों को कोस रहे थे कि वे जनता को लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी गुनहगार के रूप में तो उनकी अपनी पार्टी की, उनके अपने नेता शिवराज सिंह की मध्य प्रदेश की सरकार आ गई कटघरे जी, में। तो बिल्कुल आज का दिन मुझे लग रहा है कि उस सर्वे का जो आंकड़ा है, शायद एबीपी ने उसको डिलीट भी किया है। हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार साथी ने एबीपी से पूछा भी है कि आपने ये डिलीट क्यों कर दिया ट्विटर पे से। तो देखना होगा कि आगे चलकर वो चैनल इस पर कायम रहता है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है अगले सर्वे में कुछ सीटें बढ़ जाए या कम हो जाए, हम नहीं जानते, लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए बिस्मिल्ला आज बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।